जरा मिल के आती हूँ। बेचारी। ओके। पिताजी, आपका सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है, वो लोग आते ही होंगे। और हाँ, उनके सामने आपको सब चीजों में सिर्फ हाँ बोलना है, याद रहेगा ना? आप? मैं वृद्धाश्रम से आई हूँ परेश अंकल को लेने। ओह, एक्चुअली मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इतनी यंग लड़की वहां से आएगी, इसलिए नमस्ते अंकल। मैंने पिताजी का सारा सामान पैक करके रख दिया है। एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि पिताजी हमारे साथ ही रुके, लेकिन क्या है ना, इनकी इतनी इनकम कहाँ जो हम सबका गुजारा हो सके। और होम लोन्स और बाकी लोन्स भी है ना, तो इसलिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मुझे इस कंसेंट फॉर्म पे आपकी साइन। आपने जो शर्ट बोला था ना प्रेस करके रखने के लिए, वो मैंने करके रख दिया है, आप चेंज कर लीजिए। अरे पहले बोलना था ना सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। कहाँ रखा है शर्ट? एक मिनट। लेकिन मेरे पिताजी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको विजय गर्ग का नाम याद है? नाम सुना हुआ लग रहा है, लेकिन लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। सर, ये वही शख्स है जिनकी बेटी की पढ़ाई के लिए आपने बहुत मदद की थी, और वही बेटी आज आपके सामने बैठी है। शायद अब अपनी कानपुर की पोस्टिंग भूल गए हो, याद कीजिए। अब याद आ रहा है, बहुत साल हो चुके हैं, और शायद तुम इसी तरह मेरे सामने आओगी ये उम्मीद नहीं थी ना, इसलिए ठीक से सोचा नहीं था। लेकिन लेकिन बेटी बेटी तुम तो ठीक से पढ़ाई कर रही थी, फिर ये वृद्धाश्रम में कैसे? सर, पढ़ाई के बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया 3 साल तक। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि शायद मेरे पिताजी को मेरी जरूरत है, और उनके जैसे कई शख्स हैं जिनको किसी की जरूरत है। फिर मैंने और मेरे पिताजी ने 3 साल पहले कुछ लोगों की मदद से वृद्धाश्रम खोला। हमारे यहाँ पे अभी 12 लोग रहते हैं, और आप हमारे अगले मेहमान। सर, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बस ये सोचिए कि अभी आप अपने बेटी के घर रहने जा रहे हो। बड़ा बड़ा नेक काम कर रहे हैं तुम लोग। क्या यार, आपने प्रॉमिस किया था आज डिनर पे चलेंगे, अब बोल रहे हो कि लेट हो जाएगा। हाँ, देखेंगे ना। अरे आप लोग अभी गए नहीं? ठीक है, मुझे देर हो रही है, आप लोग जा सकते हो।
वहां जाकर इत्मीनान से बात कीजिए। हाँ, विजय बहुत बिजी रहते हैं। वो क्या है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और सब सही रहा तो इस साल उनका प्रमोशन भी हो जाएगा। सॉरी, आपको कॉर्पोरेट लाइफ का कुछ पता नहीं होगा ना, लेकिन वहाँ पे सारी चीजें टाइम पे करनी पड़ती है ना विजय? माफ कीजिए, वो क्या है ना, मुझे परेश सर से मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन इस तरह से मिल पाऊंगी ये नहीं सोचा था। जब वृद्धाश्रम के लिए उनका नाम सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं खुद उनको लेने चली आई। पिताजी भी आने वाले थे, लेकिन उनको थोड़ा काम था इसीलिए नहीं आए। और वैसे भी अभी अंकल तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। या आप पिताजी को पहले से जानती थी? मैं नहीं, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। एक वक्त था जब मेरे पिताजी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब अंकल ने हमारी बहुत मदद की थी और मेरी पढ़ाई के लिए भी ये बहुत सपोर्ट किया था। अच्छा है ना, तुम्हें भी इनका एहसान चुकाने का मौका मिल रहा है, और वैसे भी तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुम कोई बड़ा काम कर सकती हो। बेटा ये क्या कह रहे हो? अंकल ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे सही कह रहे हैं सर। चलिए अभी हमें चलना चाहिए। वैसे सर आपने कुछ कहा ही है तो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ। मैंने MBA इन मार्केटिंग किया है, 3 साल मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, और इन 3 सालों में मुझे मेरी काबिलियत देख के 2 बार प्रमोशन मिला, और अगर मैं अपना जॉब कंटिन्यू करती ना तो शायद मैं आज आपकी बॉस होती। लेकिन मुझे ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन करना था, और इसीलिए भगवान ने मुझे मौका दिया बूढ़े बेसहारा लोगों की मदद करने का। चलिए अंकल। वैसे विजय सर, जाने से पहले एक बात क्लियर करनी थी। मेरे पिताजी और अंकल जहां पे मिले थे वो एक अनाथ आश्रम था, जब मेरे पिताजी अनाथ आश्रम चलाते थे, और अंकल वहां पे एक लड़का गोद लेने आए थे, और आपको पता है आगे जाके उन्होंने उसका नाम विजय रखा। विजय संभालो। और अंकल वहां पे एक लड़का गोद लेने आए थे, आगे जाके उन्होंने उसका नाम विजय रखा।